दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। और यहाँ पे ये आप ये जो है नोटिस देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें यूपीटर पॉलिसी की तरफ से जो है बताया गया है, इसमें जो है स्कूल क्लर्क भर्ती मनमानी की छूट नहीं, तो स्कूल प्रबंधकों का तो क्लर्क भर्ती से इनकार। कहने मतलब क्या है, ये आपने देखा होगा कि क्लर्क भर्ती लेट क्यों हो रही है, ऐसा क्या जरूरी है, सारी भर्तियां क्लियर हो रही हैं पर ये क्लर्क भर्ती क्यों अटकी पड़ी, क्योंकि ये एडिट कॉलेज जो होते हैं प्रबंधक के होते हैं, उन्होंने कहा जब तक हमको छूट नहीं मिलेगी तब तक हम इसमें कुछ नहीं करने वाले, हम नई भर्ती कराने वाले हैं। जो है ये पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो है जो एक जो इंटर कॉलेज के अंदर क्लर्क भर्ती होती थी वो अपने हिसाब से भर्ती करते थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो स्कूल में भर्ती नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है ये बोल दिया गया। साथ में जो है क्लर्क भर्ती का नोटिस जो है वो जारी हुआ था, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं बाद में दूंगा, पहले जो इम्पोर्टेंट खबर है पहले उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा जो एडिट कॉलेज का अंतर्गत यूपी में क्लर्क भर्ती जो आ रही है, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर उनको क्यों नहीं मिल रहा है वो मैं पूरा आपको समझा दूंगा, पर उससे पहले पहले जो इम्पोर्टेंट खबर है पहले उसको आप देख लीजिए। शिक्षक बहाली पर जो परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, बात हो रही है इसमें बीपीएससी की तरफ से। आपने थलमा सॉरी थंबनेल में आपने देख लिया होगा, थंबनेल में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है इस समय रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और वो रिजल्ट जो है वो कोई और नहीं है आपका जो है बिहार शिक्षक भर्ती का उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। ये इसका वाला वीडियो जो है मैं आपको दोपहर में बनाने वाला था 3:30 बजे, क्योंकि इसका रिजल्ट आ चुका था पर अधिकारी के साथ मीटिंग में था इसलिए मैंने इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, ठीक है। तो अधिकारी मीटिंग कर रहे थे इसलिए जो है मैंने जो इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया। तो जो आपने देखा होगा कि मैं खुद एक तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हूँ, अधिकारी हूँ, तो यहाँ पर जो आपने उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ मैं। तो इसका रिजल्ट अगर आपने देखना वीडियो तो आप ये जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका देख सकते हैं अपना अपना रिजल्ट जो है ये। साथ में जो संविदा भर्ती जो आई है डिप्टी मैनेजर के पदों पर, संविदा की भर्ती है आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, संबल, इन जिलों में जो है आपका संविदा चपरासी भर्ती विज्ञापन जो जारी हुआ है, सॉरी यहाँ पे जो है ये संविदा जो है ये मैनेजर के पदों पर भर्ती आ चुकी है। और किस्मा आई है, यह आपका जो विभाग का नाम है सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम, और डेट क्या है 25 अक्टूबर, इसमें आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है, फॉर्म भर दीजिए करके, घर में नौकरी है, 20,000 रुपये की नौकरी मिल जाएगी आपको, 100% मिलती है नौकरी, ऐसी बात नहीं है कि जो मैं भर्ती दिखाता हूँ, पर आपको करना क्या है सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है और वहीं से जाकर ये वाला फॉर्म आप ये जो है भर सकते हैं। और जैसा कि आपको थंबनेल में लिखा गया है कि यहाँ पर जो है ये नगर पालिका परिषद की तरफ से जो है सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, 18 अक्टूबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है, 11,743 रुपये सैलरी है, देवरिया से आ चुका है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो भर दीजिएगा, यहाँ पर ये जो है दिया हुआ सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए, ठीक है। साथ में जो है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर इन सभी जिलों में 75 जिलों में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, जनपद के नाम यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं। और जो है बिहार शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आया है 525 उम्मीदवार इसमें जो है सफल हो चुके हैं, यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, अभी हिंदी का आया है, धीरे धीरे सारे रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। साथ में जो इंडियन नेवी की तरफ से भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, इंडियन नेवी आप जानते ही हैं, है ना, तो यहाँ पर आ चुका है ये भर्ती। और जो है कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है, आपका कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, सब पदों पर जो है भर्ती आ चुकी है। और यहाँ पर जो है ये दे रखा है ये जो कंपनी के नाम और यहाँ पर ये पद के नाम दिए हुए हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें जो है कि इसमें हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए जो इसमें जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाके ये वाला फॉर्म आप जो है इंडियन नेवी की तरफ से भर्ती निकली ये वाली और इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर आके ये जो आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, 31 अक्टूबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है ये, और ये जो भर्ती निकाली गई है भारतीय डाक विभाग की तरफ से भर्ती आ चुकी है ये जो है। साथ में जो है ये महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं, पद के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, पोस्टमैन, मेल गार्ड और क्लर्क, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है पद के नाम, और जो है डाक विभाग की तरफ से भर्ती आ चुकी है ये देख सकते हैं जो है। मेल फीमेल जिन्होंने 10th पास कर रखा 12th पास वही आवेदन कर सकते हैं, और जो है ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाके ये वाला फॉर्म आप ये जो है भर सकते हैं। साथ में इसमें अपोलो हॉस्पिटल के अंतर्गत भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, ये भर्ती के बारे में जानकारी दी, अपोलो हॉस्पिटल का नाम आप सुनाई होगा, आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटी आ चुकी है ये सब आप ये जो है देख सकते हैं। साथ में जो अपोलो हॉस्पिटल में जो है आपका जो है
क्लिनिक का हो गया, वार्ड हो गया, क्लिनिक स्टाफ, वार्ड बॉय, इस सभी पदों पर भर्ती आ चुकी है इसमें ये। और यहाँ पे बताया गया इसमें निःशुल्क ऑनलाइन फॉर्म है ये, और यहाँ पे ये महिला पुरुष दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या है इसमें जो है, ये देख सकते हैं। और आपको इसमें ऑनलाइन कैसे करना है, ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाके ये वाला फॉर्म में जो है भर सकते हैं। साथ में जो ये हाईकोर्ट की तरफ से जो भर्ती आ चुकी है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें जो हाईकोर्ट की तरफ से भर्ती निकाली गई है, कहाँ निकाली गई है वो देख सकते हैं। आपके कौन कौन से पद हैं, प्योन है, प्रोसेस सर्वर है, और साथ में स्वीपर है, इसमें योग्यता है ये। साथ में जो है इसके अंतर्गत लिफ्ट ऑपरेटर हो गया, जनरेटर ऑपरेटर हो गया, ये सब भर्ती देख सकते हैं। तो वहीं पर एज लिमिट की बात करेंगे, 18 से जो है 42 वर्ष इसमें एज लिमिट बताई गई है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में निकली है, ये जिला जो अदालत जो फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट के अंदर भर्ती आ चुकी है। फॉर्म इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो फरीदाबाद वाले में ऑप्शन में जाना है और आपको नोटिस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक कमेंट आया हुआ था, बहुत परेशान है। अब वास्तव में जब किसी का रुपया फंस जाता है ना तो बहुत परेशान होता है। मैं तो झेल चुका हूँ एक बार जो है ये, क्योंकि लोगों का रुपया ले लेते हैं साले कुछ होते हैं। और वो देख सकते हैं सरकारी चपरासी भर्ती तो होगी कि नहीं, क्लियर बता दो सर मेरा पैसा फंसा हुआ। तो भैया देखो, सरकारी चपरासी भर्ती तो आने वाली है नहीं, क्योंकि जब संविदा की भर्ती चल रही है ना तो सरकारी चपरासी दूर दूर तक नहीं आएगी। सुन लीजिए, तो कुछ लोग जो होते हैं पैसे फंसा लेते हैं, सरकारी चपरासी भर्ती नहीं आएगी, नहीं आएगी, सुन लीजिए कान खोल कर, क्योंकि पुरानी चपरासी भर्ती संविदा पर निकल रही है। संविदा वाली आप पढ़ लीजिएगा और इसमें चल भी रही है। और जो है एक बात बताइएगा, जब संविदा वाली चपरासी भर्ती आ गई, प्यून आ गई है और ये आ गई, मिर्जापुर से आई कुमारी विभाग की तरफ से जो है 18 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि, अगर नहीं कर रखा फॉर्म कर लीजिएगा। सोनभद्र से भी आई हुई है यहाँ पर जो है ये, जब एक बात बताइए, जब सरकार को प्यून भर्ती मिल रही है, अगर हमें जो है 11,000 में 11 × 22 और 11 × 33 तो 11,000 रुपये में यदि हमें एक टीचर वो सरकारी अगर हम भर्ती करेंगे तो हमें 22 से 25,000 रुपये देना पड़ा एक चपरासी को। सरकार चाहती है कि हम संविदा पर रख लेंगे और दो चपरासी इतने में आ जाएंगे, तो सरकार हर कोई चाहती है यही, जो यही नियम है, सरकारी नहीं आएगी। और यदि आपने संविदा चपरासी भर्ती का फॉर्म भरा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाथरस से जो है माध्यम से विभाग की तरफ से चपरासी भर्ती के लिए कॉल आई है, सर थैंक यू, देख लीजिए यहाँ पर। और नीचे हापुड़ जिले से इन्होंने बुलाया लखनऊ के लिए। तो वास्तव में संविदा चपरासी भर्ती चल रही है, आप भी जो लग दीजिए, ठीक है, किसी के झांसे में ना आए। मैं अगर एक बार बताइएगा, मैं खुद जो अधिकारियों के बीच में रहता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो आपसे पैसे लेकर करा नहीं सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि सरकारी नहीं आने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट पर ही होगी भर्तियाँ। तो भैया देखो, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो इनसे कह रहा हूँ पेमेंट ले लीजिएगा, आप भी यहीं पर हैं और मैं भी यहीं पर हूँ, ठीक है। संविदा की जब भर्ती चल रही सरकारी नहीं होगी, वो बात अलग है, कभी गवर्नमेंट 4-5 साल में 10 साल में कभी जो है बाद में इन्हीं को परमानेंट कर दे, है ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक बात बताइएगा, आपके अंदर भी दिमाग हुआ 2008 से भर्ती जब अब तक नहीं चपरासी भर्ती, तो आप कहाँ से सरकारी हो जाएगी, एक बात बताइएगा। तो आपको मैं रियल बता रहा हूँ, वो बात अलग है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।